पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। आयशा, तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ, एक बार प्लीज बोल के तो देखो। तुम सच में मेरे लिए कुछ भी करना चाहती हो? हाँ तो ठीक है, मैं चाहती हूं कि तुम मेरी लाइफ से चली जाओ। आयशा क्यों, तुम ही ने कहा ना कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तो चली जाओ मेरी लाइफ से। आयशा कैसी है अब? अभी कैसी होगी पर समझ जाएगी। ये क्या है अविनाश, तुमने आयशा के सारे प्रोजेक्ट्स पश्मीना के नाम कर दिए? रियली? ऑफ कोर्स, आयशा को तो वैसे भी पैसे से कोई प्यार नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से जो प्रॉपर्टीज उसने बनाई है वो पश्मीना को कभी नहीं देगी। इतना नाराज हो जाएगी कि वो पश्मीना को यहाँ से निकाल बाहर करेगी। बिल्कुल सही करेगी, पश्मीना को भी पता चले खैरात और बंटवारे में फर्क होता है। आयशा विल नॉट शेयर ना पैसा ना प्रॉपर्टी और ना राघव। आई एम सॉरी अविनाश, तुम्हारी बेटी है पश्मीना, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, एक बेटी को खुश करूं तो दूसरी नाराज, किसी ना किसी को तो पीछे हटना ही होगा। अगर प्रीति और पश्मीना को पैसे ही चाहिए तो मैं उम्र भर उन्हें संभालूंगा, कश्मीर में रहते रहें और यहाँ राघव और आयशा को खुश रहने दें, यही सही है। अरे ऐसा होने नहीं देखी, वो लड़की बहुत जिद्दी है, वो अपनी माँ की तरह अपने स्वाभिमान के पर्दे के पीछे लालच छुपा के बैठी है। क्या कर सकते हैं अविनाश, डोंट वरी, मुझे पूरा यकीन है कि आयशा और राघव एक दिन एक हो ही जाएंगे। तुमने देखा ना, जब आयशा नहीं थी वो गायब हो गई थी, राघव की हालत क्या थी, कितना परेशान हुआ वो, और इतना परेशान तो कोई अपनों के लिए होता है ना। कुछ ही दिनों में मैंने सब कुछ खो दिया पश्मीना, मेरे लाइफ के दो सबसे करीब लोग, उनके असलियत जान के मैं टूट चुकी हूँ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए, समझने के लिए, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम मेरे सामने हो। तुम्हें यही मंजूर है तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी। फाइन, तो तय, आज शाम की फ्लाइट बुक कर दो, श्रीनगर की या जम्मू से बस भी लेकर जा सकती हो, बस आज चली जाओ। परफेक्ट, गुड बाय। अगर आयशा यही चाहती है तो यही सही, तू चली जा, लेकिन अविनाश शर्मा को तुझे सबके सामने बेनकाब करना ही होगा पश्मीना, ये तुझे अपनी माँ के लिए करना होगा और आज ही। लीजिए माँ, वो मीठा कीजिए, पला टली, कल की पहली फ्लाइट पकड़ के माँ बेटी वापस जा रही है। पर मुइना, आयशा को तो सब कुछ पता ही चल गया ना। डोंट वरी माँ, पश्मीना के दूर जाते सब ठीक होने लगे। आप मुंह मीठा कीजिए। क्या ठीक हो जाएगा भाई, पश्मीना तो जा रही है, खुद जा रही है। तुम्हें अभी भी लगता है वो यहाँ पैसे के लिए आई थी? उसके हर कदम पे तुमने जाल बिछाए, दुत्कारा, उसे गलत साबित करने की सारी कोशिशें की। हम मिठाई खा रहे हो अपनी जीत की खुशी में? पश्मीना की वजह से राघव आयशा से प्यार नहीं करता, इसलिए मुझे बात ही नहीं करनी। हद है मॉम, राघव आयशा से प्यार नहीं करता है, इसीलिए जब वो पश्मीना से मिला तो उसने जाना कि प्यार होता क्या है, पर औरत होते हुए आपने सारा ब्लेम पश्मीना पे डाल दिया।
अरे ये क्यों नहीं समझ पा रहे आप लोग कि प्यार पे जोर नहीं चलता है? और दादी, आयशा भी ये बात मानती है, पर बच्ची का दिल टूटा है। हाँ, दिल टूटा है, उदास भी है, लेकिन वो इस सच्चाई को जानती भी है और समझती भी है। दादी, राघव लव्स पश्मीना, वो प्यार में तड़प रहा है और आप लोग उसको तड़पने दे रहे हैं। वो लड़की उसके लिए ठीक नहीं है। अच्छा, और राघव? वो राघव जिसके हर डिसीजन को आपने हमेशा सही माना है, उसके हर बिजनेस और घर के फैसलों को आपने सही बताया है, लेकिन उसका एक फैसला जो आपके हित में नहीं जाता, जिससे आपका मतलब नहीं निकलता, वो गलत हो गया। रीवा, तुम अपने मॉम प्लीज यार, डोंट इवन ट्राई। मुझे कुछ नहीं सुनना, इनफैक्ट मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहती हूँ। आपके रूखे सूखे से सीरियस बेटे को मोहब्बत हो गई है मॉम, मोहब्बत। पश्मीना उसका पहला प्यार है, उसकी मोहब्बत है, और उसके जाने पर आप लोग मिठाइयां खा रहे हैं। जीवा चुप हो। मुंहफट तो मैं पहले से ही थी मॉम, पर आज अपने भाई के पक्ष में बोल रही हूँ ना तो बुरा नहीं लग रहा, और आप जो मेरे भाई के साथ कर रही है ना, अच्छा नहीं कर रही है। अरे लो, आपका बेटा आ गया, इधर खिलाइए इसको भी, मिठाई खिलाइए, खिलाइए ना राघव। मॉम और दादी इस बात से खुश हो रहे हैं कि तुम्हारा प्यार तुम्हें छोड़ के जा रहा है। मिठाइयां बांट रहे हैं, खाओगे? ये कहाँ जा रहा है? पश्मीना से मिलने जा रहा होगा। गुड मॉर्निंग। तू सच में मुझसे मिलने आया है? ऑब्वियसली मैं यहाँ तुझसे मिलने आया हूँ। व्हाट डू यू मीन? ए आयशा, बोलना क्या हुआ? आई एम फाइन। भूख हड़ताल से पता है क्या होता है, ब्लड शुगर लो हो जाता है, और आप हंग्री से हैंग्री हो जाते हो, इसलिए प्लीज थोड़ा सा खा ले टोस्ट। हाँ। खा लेना प्लीज। अच्छा ठीक है, पानी तो पी ले, अल्कोहल डिहाइड्रेट्स पीपल, यू नो ना, कल रात के बाद तुझे पानी की बहुत जरूरत है। अगर अगर ये ना, मैंने नशे में कुछ ज्यादा ही कह दिया ना, बहुत ज्यादा पका दिया तूने यार। एक बात बता, ये लोग जो शराब पीते हैं वो इतना बकबक क्यों करते हैं? इतना बोर क्यों करते हैं लोगों को? और तो बोल कह रही थी, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। यू आर लाइक राघव, मैं ये वो व्हाट। और मैंने पश्मीना से जो कहा वो सुन, तू ना पहले कुछ खा ले प्लीज, कुछ खा ले, फिर बात करते हैं बैठ के। तो मुझसे गुस्सा है ना, क्योंकि मैंने पश्मीना को यहाँ से जाने के लिए कहा। मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ, पर हाँ थोड़ा सैड हूँ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को लगता है कि मैं उससे गुस्सा हो सकता हूँ। आयशा शर्मा, तू मुझे रूखा सूखा कहती है ना, भूल गई? बेस्टी स्वेयर के कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा होता है, नो सॉरी, नो थैंक यू, एंड नो नाराजगी एंड गुस्सा एंड ऑल दैट, क्लियर? पर मजाक में ही सही, अपनी दिल की बात तो बता दे मुझे। You hate me, right? मैंने जो किया उसके लिए तुम मुझसे नफरत करते हो। I wish मैं तुझे hate कर सकता ईशा, पर क्या है ना कि बचपन की आदत है तू मेरी, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। और ईशा, गलती सारी मेरी है, तू इतना गिल्टी क्यों फील कर रही है? क्योंकि मेरे बेस्टी को प्यार हो गया, और मैं उसी लड़की को उससे दूर भेज रही हूँ। चुप, मुंह बंद, एकदम बंद। और अब मेरी सुन, आयशा शर्मा, तू दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ओके? मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मैं बैठना चाहता हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ तुझ पे, आई एम नॉट डूइंग यू अ फेवर। और मैं तेरे लिए जो भी करूँ वो मेरा हक है डिसाइड करने का, तेरा नहीं। और मेरे और मेरी बेस्टी के बीच में बोलना बंद कर। इज दैट क्लियर? दैट्स वियर्ड।
पश्मीना ने भी मुझसे ऐसे ही कुछ कहा। तुम दोनों के दिल दिमाग कितने मिलते हैं। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।